16 and 28 roll number. Hermes and Khyati. Okay, today your syllabus will be over. Work energy power का सिर्फ work वाला part करना है हमने. एनर्जी से पहले पहले बस एनर्जी की एडिंग करनी नहीं है हमने. वो हाँ जी वर्क वाले पोर्शन तक आपको ये वाला चैप्टर है. एनर्जी पावर नहीं है. यस तो सिलेबस नोट कर लीजिए फॉर योर एग्जाम्स इन दिसंबर मंथ. ग्रेविटेशन एंड वर्क ओनली वर्क तक. हाँ यहाँ जैसे कि शेप ऑफ अर्थ है डीजी करना है ना फिर जीपी और टी में क्या है यहाँ पे टी कर दिया तो डी हो गया टी कर दिया तो डी हो गया कुछ में डाल दिया सर टी और डी का ओके ओके यस पे अटेंशन नाउ लेट अस स्टार्ट वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वर्क इज सेट टू बी डन. When force acts on any object and displaces it through certain distance, it moves it through certain distance. One roll number is. हाँ जी numericals होंगे ठीक है. तो कल हम numericals करेंगे हमारा पूरा syllabus over हो जाएगा ठीक है. So today we will complete the theory of work. Then what is the formula of work? I show you a situation. इसमें आप बताओगे कि work done कितना है ठीक है. ध्यान से देखिए कि मैं फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ ऑन द वुडन ब्लॉक ठीक है. मैं फोर्स मैं एम आई डूइंग सम वर्क. नो आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. मैं अब आपके हाँ अप्लाई कर रही हूँ इसको. ये देखो what is the work done in this case? What is the angle between force and displacement? 180. No, no, in this case, what is theta between force and displacement? Angle. कैसे ये मेरा फोर्स की डायरेक्शन है और ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जीरो डिग्री के तो 180 नहीं है ये. अगर ब्लॉक उधर मूव कर रहा होता व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन तब होता 180. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तब होता. अभी नहीं है अभी तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सो आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड इन दिस केस हाउ मच वर्क इज डन सिंपली एफर्ट. यही होगा ना व्हेन एंगल इज 0 डिग्री व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन वर्क डन इज पॉजिटिव और सिंपली एफएफ ठीक है. अब देखिए कि मैं अब ऐसे इसको पुल कर रही हूं एट सर्टेन एंगल दो द ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली. आई गेव यू एग्जांपल ऑफ ट्रॉली बैग. उसमें भी ऐसे होता है कि हम फोर्स लगाते हैं किसी एंगल पे बट वो मूव हॉरिजॉन्टली करता है. सेम इन द केस हियर ऑफ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस. What is the work done in this case? बताइए. Positive कैसे पता चला आपको? नहीं यहाँ पे तो angle है ना? Theta का. Angle angle कितना होना चाहिए कि work positive हो? Zero. Zero. ये zero तो नहीं है. हाँ? Acute angle हो तो positive होता है. But how do you know this angle was acute? Yes. This was acute angle. But अगर चलो आपको एंगल ना पता होता तो आप इस पे इन दिस केस वर्क डन इज एफ एस फॉर और दैट एंगल. सो इन दिस केस वर्क इज एफ एस फॉर थीटा. सो थ्रू दीस टू एक्टिविटीज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन सिंपली यू विल मल्टीप्लाई द टू एंड व्हेन देयर इज सम एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट योर फार्मूला विल चेंज. इट विल बी एफ एस फॉर थीटा. अभी हम ये ले ही नहीं रहे कि एंगल है तो गॉट दिस. यही से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना. ओके सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क. हु विल टेल मी थ्री टाइप्स ऑफ वर्क.
Yes, sit down. What is positive verb? Same direction. Yes. When the force and displacement are in the same direction, work done is positive. Any example of positive verb? We did so many examples. Force batao. Work done by winning team in tug of war. Complete हो गया ना example. हमें समझ आ गया ना आपकी क्या हुआ, कौन सी टीम का force हम कह रहे हैं. ये देखो ये incomplete है. Stretching a spring is incomplete because stretching a spring आपको बताना पड़ेगा. दोनों वर्ब में एग्जांपल था स्ट्रेचिंग स्प्रिंग का, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी. अब नहीं पता यस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स लेते हैं तो वर्क डन इन द सेम केस बिकम्स नेगेटिव. यस थर्ड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्ब. Third example. Yes, work done in pushing or pulling a lawn roller is also positive. Or for example. Last. Up. Next. आपको पता ही होगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नहीं पता? यू आर नॉट इन द क्लास, वेयर वर यू? नेक्स्ट क्या बता रहे हैं सब बच्चे? अभी हम पॉजिटिव वर्क पे हैं. थ्री एग्जांपल स्टूडेंट्स आर टोल्ड, फोर्थ एग्जांपल आई एम वेटिंग फॉर. यस करण. देखो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर वन पे होना चाहिए एग्जांपल. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्प्रिंग. ये स्ट्रेचिंग रबर बैंड और स्प्रिंग एक ही चीज हो गई है ना. चलो हम लिख सकते हैं, अगर हमने स्प्रिंग नहीं लिखा हो तो वी कैन राइट. हाँ जी सुन रहे हैं. नेगेटिव वर्क आप कह रहे थे, चलो अब नेगेटिव वर्क पे आते हैं. व्हेन इज नेगेटिव वर्क सेट टू बी डन? जो समाप्ता जाएगा नहीं नहीं नहीं. व्हेन इज नेगेटिव वर्क सेट टू बी डन? डेफिनेशन एग्जांपल बाद में दो, पहले डेफिनेशन बताइए. नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन. When the force and displacement are in the opposite directions, verb done is negative. चलिए बैठ जाओ. अब एग्जांपल कौन बताएगा नेगेटिव वर्ब का? हाँ बताओ. ऑपोजिट टीम कौन सी होती है? रिपीट द एग्जांपल, टेल मी द फुल सेंटेंस. वर्ब डन बात. Yes, that work done by losing team in tug of war is always negative. Any other example from this line of negative work? Except for her or koi? Haan ji. Yes, work done by gravitational force when an object is thrown vertically up. That one. Ek aur example. Yes, work done by friction. When the brakes are applied, that is also negative. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, work done by friction is always negative. और work done by restoring force when a spring is stretched, that is also negative. So I hope these two types are clear. Let us move on to the third type, zero work or null work. Sit down. Zero worker
have this formula. For four terms. So there are two conditions for zero work. Under two conditions, no work is done by an object. Work done will be zero. First condition is if displacement is zero. पहली कंडीशन अगर s zero होगा, तो इसको इसमें zero put करें. Anything multiplied by zero will be zero. तो first condition is कि we are applying the force, but displacement is not taking place, so work done is zero. ठीक है? Now as an example, Havish will push this wall. बॉल को पुश करिए, ये एक एग्जांपल है इसका. क्या ये मूव करेगी? लेट अस सी. पुश करो, दोनों हैंड से करो, मूव करो, टर्न योरसेल्फ, करो पुश करो, देखते हैं. तो ये पुश नहीं कर रही है, ठीक है? इफ यू विल ट्राई फॉर हाफ एन आवर विल इट मूव? नो. So that means first example write down. Pushing a wall is the definition nahi hai. There are two conditions, no definition. So zero work is done under two conditions. Condition number one, if displacement is zero, though force is acting. Aisa nahi ki hum force hi nahi laga rahe. We are applying force, but even then displacement is not taking place. For example, likhiye example. Havish pushes a wall for 2 hours. For half an hour ही बहुत अच्छा है. Havish pushes a wall for half an hour. First example, condition first one. Havish pushes a wall for half an hour. He gets perspired all over. He gets perspired all over. Gets tired, but the wall doesn't move. Perspired. And tired. He gets perspired and tired, but the wall doesn't move. But the wall doesn't move. So in this case, work done is zero. So ये लिख लीजिए, put करके mathematical explanation. So if this type of question is there, आप ये करके दिखा सकते हो. ठीक है, ये put करके बताइए कि work done zero. Mathematical work. First example is clear. Go back. Yes. चलिए सेकंड एग्जांपल लेंगे. नहीं, फर्स्ट कंडीशन का ही एक और एग्जांपल. ठीक है, आप आओ नेक्स्ट नेक्स्ट बॉय कम. आप आओ, ब्रिंग योर कॉपी, कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ. चलो ये क्वेश्चन रीड करो जो आपने लिखा. रीड इट आउट. नहीं बना ये डेफिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन दे रहा हूं. वर्क देन इज सेड टू बी नेगेटिव इन ऑप्शन स्टेटमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वर्क वर्क डन वेयर गेट टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव स्टोर. वर्क डन वेयर इन द लाइक व्हाट इज सेड. वर्क डन वेयर फिक्सिंग ऑन द स्टोर. So in this case, right, second example. Arnav, second example likhiye. Arnav reads a lesson. Arnav reads a lesson for 10 minutes. Arnav reads a lesson for 10 minutes. But no work is done by him. But no work is done by him as displacement is zero. No work is done by him as displacement is zero. क्योंकि वो एक ही प्लेस पे था, उसकी कॉपी भी वहीं पे थी. उसने लेसन रीड किया, बट उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है.
अपनी तरफ से उसने बहुत वर्क किया है, उसने 5 मिनट रीडिंग की आपके सामने, है ना। तो ये हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क। ऐसे घर पे भी आप 2 आवर्स लगाते हैं एक लेसन लर्न करने के लिए, यू वर्क हार्ड अ लॉट, बट सिंस यू आर सिटिंग एट वन प्लेस सो यू हैव नॉट डन एनी वर्क अकॉर्डिंग टू मैनेजर, तो अगेन दिस इज द रीजन। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन नाउ, सेकेंड कंडीशन, if angle between force and displacement is 90 degrees, force is perpendicular to displacement, if force is perpendicular to displacement, to likhiye second condition, if force and displacement are perpendicular to each other, if force and displacement are perpendicular to each other, to tab bhi work done zero hota hai, kaise? Let us force
ठीक है, बट अगर वो स्टेयर्स पे लेके जा रहा है लगेज, फिर उसको मनी देनी चाहिए, फिर उसने वर्क किया, या वो अपस्टेयर जा रहा है मतलब वर्टिकली ऊपर जा रहा है तब भी उसने वर्क किया है, हॉरिजॉन्टली नहीं करे क्योंकि तब एंगल 90 डिग्री का हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखिए एक और, अ कुली कैरिंग अ लगेज, अ कुली, अ कुली कैरिंग लगेज, अ कुली कैरिंग लगेज एंड वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एंड वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, does zero work, he does zero work because angle between force and displacement is 90 degree, angle between, because angle between force and displacement is 90 degree, because angle between force and displacement is 90 degrees, a coolie carrying luggage and walking on a horizontal road does zero work, does zero work because angle between force and displacement is 90 degree, because angle between force and displacement is 90 degree. Okay, fine. Gurshan is also there. Okay, fine. ये देख लीजिए, थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो आ रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, वी हैव डन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय अर्थ व्हेन इट रोटेट्स अराउंड या रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाई जीरो क्या है, सेम है मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि उस केस में भी एंगल 90 डिग्री बनता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, मैं बनाती हूँ अभी कोर्सेज से क्लियर हो जाए। यस, राइट डाउन द सेकंड एग्जांपल फॉर सेकंड कंडीशन, यू हैड रिटन टू एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट कंडीशन ना, now two examples, second example for second condition as well. Yes, yes, इधर चलिए, second example, theta 90 degree का second example लिखिए, work done by earth revolving around the sun is always zero. Work done by earth revolving around the sun is zero. ये question आ सकता है आपको कि क्यों zero है? Let us see why. Minus two. क्या होगा? ये कोई भी object का circle में move करनी है, ठीक है? Uniform circular motion हमने की है ना? Last point. Constantly. देखो अच्छी आई डोंट नो व्हाई यू हैव लेफ्ट फर्स्ट बेंच, यू कुड हैव सेट देयर। अब देखो सपोज ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट है राइट, डिस्प्लेसमेंट ओके आपको ये बताया था ना कि डॉट गिवन बाय पॉइंट टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये जो टेंजेंट है वो क्या देगी, वेलोसिटी देगी ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी हैव डन दैट। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब टाइम तो स्केलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो वेलोसिटी है, सो वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, दैट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पी भी मैंने आपको बताया था, ये फोर्स की डायरेक्शन किस
साइड पे होती है अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस केस में ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या है 90 डिग्री। हाँ, तो एंगल 90 डिग्री का अगेन सेम एक्सप्लेनेशन। यस, सो वर्क डन इज जीरो इन दिस केस। आई मीन मैं तो ये सेकंड फोर से डेट एंगल पे 90 है। तो नीचे का आंसर क्या है? बिकॉज़ ये है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, lot of disturbance from these poles by ये velocity की direction है, you know that tangent gives velocity। हम क्या चाहते हैं, मतलब displacement की direction mark करना चाहते हैं। So what is the dependence of displacement on velocity? ये time की तो कोई direction नहीं है, जिसका मतलब displacement direction will be given by the direction of velocity। तो यही direction displacement की भी होगी। Now is that clear? Yes sir। Okay, तो लिखिए इसका answer। Question था motion of earth, work done by earth moving around the sun is zero। अभी आपने लिखा ना ये? Yes sir। This is a question। आगे लिखिए इसके because। अब उसका answer। ये एग्जांपल भी है, क्वेश्चन भी हो गया ना। बिकॉज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्वड है ना, बिकॉज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये आप अब मार्क करिए, डायरेक्शन दिखाइए, शो दिस दिस फोर्सेस विद दैट और डायग्राम करिए, ये ड्रॉ उसमें भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 है। आगे फिर से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? सो यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जहां पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, सेम वे द क्वेश्चन इज व्हाई द What is the work done by moon around the earth? वो भी zero है, ठीक है? Same way work done by moon revolving around the earth is also zero for the same reason. वहाँ पे भी centripetal force involved होगा, वहाँ पे भी work done zero ही होगा. Is that okay? Yes. Fine. So all the three types of work are clear to you. Now let's come to the detailed units of work. बस मैंने अभी आपको यही बताया था कि ऐसा unit of work है, जाओ CGS unit of work is erg. Now we are to find relation between them. We are to define one joule, we are to define one erg and so on. तो अब हम proper detail में इनके units को discuss करते हैं कि joule होता क्या है, erg क्या है. This is our last topic, right? वर्क के यूनिट तो वर्क में ही है ना, ठीक है? सो जस्ट वर्क, इट्स टाइप्स विद एग्जांपल एंड यूनिट्स ऑफ वर्क, ये इतना ही पार्ट है। There are two types of units. Absolute units, जैसे हमने फोर्स के लिए थे, and rotational units. Who will tell me what are absolute units of force and rotational units of force? पहले ये किसको याद? Of course, those who are talking, they will tell. Yes, you stand up. Name the absolute and gravitational units of force.
पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में किए थे, ये बताएंगे तो आगे वर्क के समझ में आएंगे। चलो बताओ, जस्ट नेम नेम द एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स जाऊ, फोर्स का बताना है पहले, ये बताएगा। हाँ जी, अकेला न्यूटन हर जगह लिख दू, न्यूटन एक मिनट बातें तो बहुत आती हैं, बैठ जाओ। यस आप बताइए, कॉपी से देख के नहीं वैसे बना। चलो हाँ जी स्टैंड अप, ये यूनिट थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला है। एनएम, एनएम क्या है? कुछ भी, कुछ भी बोल देंगे जब मुंह में आएगा ऐसे बोलूंगी। हाँ जी एक मिनट, न्यूटन, हाँ वो तो न्यूटन ही हो गया ना, फोर्स का ऐसा ही जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो थे न्यूटन एंड डैन, और ग्रेविटेशन पे केजी के एंड ग्राम, ये याद है आपको उसे किए थे ना, तो सब भूल गए, नाम भी भूल गए। नहीं याद आ रहा ना, सीडीएस देखो सारे कराए थे, याद होना चाहिए ना, क्योंकि इनको हमने यूज करने अब तभी आपको वर्क के समझ में आएंगे। ये वर्क के लिए जो ऑलरेडी डन है, अब इनको यूज करके हम वर्क के करेंगे, ठीक है? अब लिखिए वो तो वर्क के एब्सोल्यूट्स हैं जाउल एंड अर्ग, ऐसा ही है जाउल, सीटीएस है अर्ग, और ग्रेविटेशनल इसका केजी एंड ग्राम सेंटीमीटर, फोर्स के केजी वेट ग्राम वेट से, बट इसके डिफरेंट है, इसके है केजी मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। और नाउ